नमस्कार, आर एस अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज हम प्याज के भजिए बनाना सीखेंगे। हमने इस कटोरी से 2 कटोरी बेसन लिया है और उसमें 7-8 बड़े प्याज लंबे टुकड़ों में काट कर डाला है, कुछ हरी मिर्ची और 1 कप हरी धनिया पत्ती डाला है, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच अजवाइन क्रश करके डाला है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम मिक्स करेंगे और आवश्यकता अनुसार पानी डालकर इसका हम मिक्स करेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसे थोड़ा मोटा ही रखना है क्योंकि प्याज है, नमक डाला है तो पानी छोड़ेगा तो बाद में गीला हो जाएगा, ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में इसे पानी डाल सकते हैं। इसे हम 15-20 मिनट ढक के रख देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें से 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और इसमें बेसन में मिक्स कर लेंगे। इससे भजिए जो होते हैं कुरकुरे होते हैं, इसलिए तेल ज़रूर डालें। अब हम इसमें भजिए डालेंगे, एक बार में जितना भजिए आएगा उतना हम कढ़ाई में डालेंगे। हमने बेसन को 15-20 मिनट रख दिया था, उससे वो सॉफ्ट हो जाते हैं और तेल डालने की वजह से वो ऊपर से कुरकुरे हो जाएंगे, तो अंदर से हमारे भजिए सॉफ्ट और ऊपर से कुरकुरे रहेंगे। इसे हम उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखें। भजिए अब गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी भजिए बनाकर निकाल लेंगे। देखिए हमारे भजिए तैयार हैं, इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।